फिर उसका चौथी बात उन्होंने कहा शुभ को अशुभ समझना, मतलब यह है अशुभ को शुभ समझना। ये बॉडी कितना अशुभ है, अशुभ किस सेंस में है, अब इसको भी मैं आपसे सबमिट करूंगा अपनी बात जो मैं समझ पाया हूँ। मैं वही बात कहूंगा जो बुद्ध ने कहा और जिस सीमा तक मैं समझ पाया, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन और कॉम्प्रिहेंड करने की कोई लिमिट नहीं होती, और हो सकता है कि आंशिक रूप से मैं समझ पाया हूँ। लेकिन मेरा ये सबमिशन है कि अशुभ को हम शुभ समझ रहे हैं। हम कितने भी हैंडसम हों और हम कितने भी अपने बॉडी को साफ रखते हों, और मुझे अपने बॉडी पे पंचस्कंधों पर कितना भी मुझे अहंकार हो, तो क्या मैं जो कहने जा रहा हूं क्या वो किसी दूसरे शरीर से भिन्न? भंते जी मेरा ये आपसे सबमिशन है, सभी से सबमिशन है कि मैं चौथी बात पाया हूं कि हम अशुभ को शुभ समझते हैं। अशुभ कैसे? कितना भी कोई हैंडसम आदमी हो, चाहे वो साउथ अफ्रीकन हो, चाहे वो स्विट्जरलैंड का आदमी हो, चाहे इंग्लैंड का आदमी हो, चाहे इंडिया का आदमी हो, उसकी बॉडी की जो फाउलनेस है क्या वो एक नहीं है? चाहे वो आउटर उसका फेशियल अपीयरेंस, फिजिक, वो कहीं काला गोरा हो सकता है, लेकिन उसके नाक में जो म्यूकस भरा है तो वो तो इक्वल टू दैट ऑफ द अफ्रीकन और टू द इंग्लैंड पर्सन, वो तो वही है। उसके कान में जो वैक्स है वो वही है, उसके आंखों में जो कीचड़ है वो वही है, उसके दांतों में जो मैल जमा है वो उसी तरह का है, उसके जो कफ में फ्लेम निकलता है, बलगम निकलता है, वो भी वही है, उसके बॉडी से स्वेटिंग होती है वो भी वही, पसीना भी उसी तरह का है, दुर्गंध भी उसी तरह की है, और उसका जो हम जो अपना यूरिनल और हमारा जो ये सब जो हम अपना स्टूल पास करते हैं वो भी वही है। क्या किसी व्यक्ति का एक ऐसा बात कह रहा हूं जो संभव नहीं है फिर भी कह रहा हूं, क्या किसी व्यक्ति की जितनी मैं दुर्गंध गिनवाई, ये क्या कभी भी इतनी मतलब अच्छी हो सकती है कि हम उसमें दुर्गंध ना आए? तो फिर हम इसको अशुभ को शुभ मान रहे हैं। हम रात को खाना खाते हैं टेबल पर, रिजवाइस करते हैं, तारीफ करते हैं, सवेरे उस खाने का क्या हाल होता है, हम मुंह बंद करके मुंह पे कपड़ा रख के उसको मतलब डिस्चार्ज करते हैं। तो ये विपलास के कारण है जो ये भगवान बुद्ध ने विपलास, तो इग्नोरेंस। अब मैं भगवान बुद्ध के बारे में मैं ये इतना मेरा अपना जानना है, वो बुद्ध तभी हुए जब उन्होंने अपने आप को जान लिया। अपने आप को क्या, अपने आप तो सेल्फ तो कुछ है नहीं इसमें, इसमें जितने भी पार्ट हैं वो तो कॉन्जॉइंड हैं, तो ज्वाइंट हैं, वो तो जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं, वो तो एक स्ट्रेच में नहीं है, वो तो अलग अलग जैसे कोई मशीन बनी हुई है उसी तरह से है। एक एक उंगली भी सीधी एक नहीं है, उसको भी दो तीन जगह से मुड़ती है, वो हमारी टांग मुड़ती है। इसमें कोई पार्ट ऐसा नहीं है जो अपने आप में डिपेंडेंट हो। द होल माइंड एंड बॉडी, द होल रूप और मतलब ये हमारा जो वो शरीर है और ये विज्ञान है, इंटरडिपेंडेंट है, ये इंटरडिपेंडेंट है। इसमें कुछ भी डिपेंडेंट नहीं है, इसमें कुछ भी स्वतंत्र नहीं है, इसका कोई चलाने वाला नहीं है। अगर इसका चलाने वाला कोई होता, अगर इसका कोई चलाने वाला होता तो जो होता वो कौन है, क्या है, ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो विवाद के मैं उसमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। लेकिन मैं आप ही से पूछता हूँ, रिपीट करता हूँ, क्या आप अपने बॉडी के कंट्रोलर हैं? नहीं है, कुछ भी आपके और मेरे बस में नहीं है। 24 घंटे में परिवर्तित हो रहा हूँ, 24 घंटे में डीजनरेशन की ओर बढ़ रहा हूँ, 24 घंटे में डीके एंड डीकंपोजिशन की तरफ बढ़ रहा हूँ, तो फिर क्यों हमारी मिथ्या दृष्टि दूर नहीं होती? ये बॉडी अनित्य है, दुख है और अनात्म है। तो ये है तो भगवान बुद्ध। ये तो मैंने एक संक्षेप, आगे जब चार आर्य सत्य पे मैं आऊंगा उसके एक एक सेगमेंट पर आऊंगा, उस पर फिर डिटेल व्याख्या की जाएगी। इट इज इंट्रोडक्टरी। दूसरी बात, ये बहुत ही साधारण बातें मैंने कही है, जब हम दुख का विश्लेषण करेंगे वो तो बहुत ही ज्यादा डीप एंड जिसको कहते हैं अनफेदमेबल है। आगे फिर भगवान एक लोक में ये कहा है अंगुत्तर निकाय में, इस लोक में तीन का उत्पाद बहुत दुर्लभ है। द अराइजिंग ऑफ द थ्री इज द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर इवेंट इन द लोक वर्ल्ड। ये बहुत दुर्लभ घटना है। क्या है? लोक में सम्यक संबुद्ध का आना, ये बहुत दुर्लभ घटना है। अगले मैत्रेय बुद्ध कब आएंगे कोई नहीं बता सकता, कोई नहीं कह सकता। इनकैलकुलेबल है, इमेजरेबल है, अनथिंकेबल है, अनइमेजिनेबल है। ये नहीं कोई बता सकता कि लोक में बुद्ध का आना दुर्लभ घटना है। फिर उस व्यक्ति का लोक में जन्म लेना बहुत दुर्लभ है जो बुद्ध द्वारा उपदिष्ट धर्म को फैलाए, उसकी चर्चा करें, प्रोपगेट करें। जैसे हमारे भंते जी ने इसका ये मंच बनाया प्रोपगेट करने का, तो मैं भंते जी को तो साधुवाद है ही कि उन्होंने इस धर्म को इस पर लाने की वो बहुत बड़ा कदम किया, उनको बार बार साधुवाद है। लेकिन मैं आप सभी लोगों को भी साधुवाद देता हूं कि आप भी द्वितीय श्रेणी के पात्र हैं, आप सभी द्वितीय श्रेणी के पात्र हैं, क्योंकि आप भी बहुत भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को समझने में, फॉलो करने में, रियलाइज करने में लगे हैं और दूसरों को जोड़ने में लगे हैं। तो ये भी आप द्वितीय श्रेणी में आते हैं। आपका यह जन्म भी दुर्लभ है, इसे आसान ना समझो। थिंक द इम्पोर्टेंस एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस एग्जिस्टेंस। ये सरल नहीं है, इसको आसानी से ना जाने दिया जाए। इसका एक एक सांस आपकी प्रॉपर्टी है। भगवान बुद्ध ने कहा इस लोक में असली प्रॉपर्टी क्या है? ये आपका जो सांस है ना, यही आपकी प्रॉपर्टी है। जितने सांसों को आप सील समाधि प्रज्ञा के अनुसार इनहेल एक्सहेल करेंगे, उतनी ही उसी रेशियो में आपका कल्याण मार्ग प्रशस्त होगा। तो असली प्रॉपर्टी आपकी जो आपको बचाएगी बुरी योनियों में जाने से, दुर्गति में जाने से। तो एक एक सांस को हमें बड़ा सोच समझ के लेना है और जीना है। तीसरा, मैं दोबारा साधुवाद देता हूं, आप सभी दूसरी श्रेणी में आते हैं जितने भी हमारे धर्म बंधु सुन रहे हैं। तो थिंक योर इम्पोर्टेंस, अपने को जानिए, तभी आप संभल पाएंगे। हमें कोई दूसरा नहीं संभालेगा। अब भगवान बुद्ध ने क्यों कहा आप अपने मुक्तिदाता खुद हो, तुम्हारा कोई मुक्तिदाता नहीं, मैं भी नहीं हूं। मैं मार्गदाता हूं, मैं टीचर हूं, मैं शिक्षक हूं। उन्होंने कह दिया, साफ साफ कह दिया, जहां रास्ता पूछना है पूछ लो, बात समझनी समझ लो, लेकिन मुक्तिदाता खुद ही हो। पर्यति, प्रतिपति और प्रतिवेद आप ही को करना है, ये चीजें आप ही को करना है, मतलब स्टडी, प्रैक्टिस एंड रियलाइजेशन। तो तीसरा उन्होंने कहा है जिसका आना यहाँ बड़ा दुर्लभ है, वो है ग्रेटफुल होना चाहिए। ग्रेटफुल का पैदा होना बड़ा मुश्किल है। जो कृतज्ञ हो, जो कृतज्ञ हो, जो दूसरों का आभारी हो, आदर करता हो। अब हमारा जो आज का समाज है, वर्ल्ड फिनोमिना ही कहूंगा आज के युग में इसको, हम किसी के लिए आज ग्रेटफुल नहीं रह गए। हम अपने माता पिता के लिए ग्रेटफुल नहीं है, हम अपने बच्चों के लिए ग्रेटफुल नहीं है, कोई शिक्षक अब अपने विद्यार्थी के लिए ग्रेटफुल नहीं है, विद्यार्थी शिक्षक के प्रति ग्रेटफुल नहीं है, वाइस वर्सा है, सब कोई एक दोषी नहीं है। तो टोटल सिस्टम कोलैप्स इसलिए कर रहा है कि कितना भी कोई किसी का भला काम कर दे वो उसके लिए ग्रेटफुल नहीं है। तो ये तीन का उत्पाद दुर्लभ है। तो हमें ग्रेटफुल होना चाहिए भंते जी का, हमारे भिक्षुगण का, और भिक्षुगण को भी ग्रेटफुल होना चाहिए उपासकों का कि ये हमारा पेट पाल रहे हैं, ये हमें दान दे रहे हैं, ये गाड़ी के दो पहिए हैं। भगवान बुद्ध ने उपासकों को और भिक्षु को गाड़ी के दो पहिए बताया है। एक गिर जाएगा तो दूसरा नहीं चल पाएगा। तो ये हमें मिलजुल के भगवान बुद्ध की बातों को, उनकी शिक्षा को, उपासकों को और भिक्षुओं को मिलकर एक दूसरे का आदर करते हुए, वो उनकी डिग्निटी को मेंटेन करते हुए काम करना है, आगे बढ़ना है। कोई द्वेष भाव नहीं है। भिक्षु अपना काम कर रहा है, घर छोड़ दिया है, हमारे भरोसे है, हमें उनको श्रद्धा के साथ पालन पोषण करना है। भिक्षु को, उपासक को गाइड करना है, उसका सम्मान करना है, उसको रास्ता दिखाना है। तो ये कृतज्ञता का फॉर्मूला भगवान बुद्ध ने बताया। फिर अब मैं उस बात पाऊंगा, भगवान बुद्ध, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है और जो लोक में झगड़े का विषय भी है ये, कि क्या ये भगवान बुद्ध की जो टीचिंग है क्या ये धर्म है? Please conclude, sir. हेलो हेलो ठीक है, हेलो व्हाट आर यू सेइंग कैलाजी? ठीक है, हेलो कंटिन्यू। 5 minutes sir, more. Please continue. हेलो हेलो कंटिन्यू कंटिन्यू। तो ये जो भगवान बुद्ध का धर्म है, ये इसमें ये यूनिवर्सल है क्योंकि ये रियल है। ये बात मैं खोलना चाहता हूं कि ये क्यों रियल है, क्यों अनरियल नहीं है ये, क्योंकि ये निर्मित नहीं है। इट इज नॉट कंस्ट्रक्टेड। जो चीज कंस्ट्रक्टेड है लोक में उसका विनाश होता है। लोक में बुद्ध एराइज हो या न हो, फिर भी भगवान बुद्ध के जो ये जो शिक्षाएं हैं, क्या आचार आर्य सत्य, अनित्य दुखनातम और प्रतीत्य समुत्पाद, ये कंटिन्यू करती हैं अपने आप, क्योंकि ये कोई भी बुद्ध नहीं बनाता इसको। बुद्ध क्या करते हैं, इस लोक के स्वभाव को इंटरप्रेट करते हैं, इस लोक के स्वभाव का विश्लेषण करके इंटरप्रेट करते हैं। यहाँ वही चीज विनाशशील है जो निर्मित है, जो बनाई गई है। इसीलिए द होल फिलोमिना, वेदर एनिमेट और इनएनिमेट, चाहे सजीव हो या निर्जीव हो, वो अनित्य है, दुख है, अनात्म है, क्योंकि वो निर्मित है। जैसे मैंने कहा, निर्मित का कोई कंट्रोलर नहीं है। ये बॉडी भी निर्मित है, ये पृथ्वी धातु, जल धातु, अग्नि धातु, वायु धातु, 4 ग्रेट जो हमारे जो इसमें जो हमारे चार जो ये एलिमेंट हैं, इनसे निर्मित है ये। और फिर आगे वर्ण, कलर, गंध, स्मेल और टेस्ट, रस, ओज, ओज कहते हैं न्यूट्रिशियस एसेंस। तो ये 4 ये हो गए, 4 वो हो गए, 8 हो गए। इसे 8 को ओजोष्टमक रूप कहा गया है। फिर इसमें और क्या जुड़ जाते हैं, काया और जीवितेंद्रिय, बॉडी एंड जो लिविंग स्पिरिट होती है, जो इसको जिंदा रखती है, जीवितेंद्रिय, जो इंद्रियों को जीवित रखता है, उसके नाम से भी लगता है, विच सस्टेन्स एंड कीप्स अलाइव द ऑर्गन्स, जीवितेंद्रिय। तो इसको डिकेड कहा गया है, डिकेड कहा गया है इसको। तो इतने, फिर इतने तो ये हैं, फिर कितने इसके अंदर पार्ट हैं, वो तो यहाँ कई डॉक्टर साहब भी अवेलेबल हैं, वो तो वही जानेंगे और मोटा मोटा हम भी जानते हैं। इसलिए ये निर्मित है और इसीलिए अनित्य है ये। इसी तरह हमारा सारा जितना फिनोमिना है वो निर्मित है और अनित्य है। अब ये बताइए मुझे, भगवान बुद्ध का धर्म ये अनित्य क्यों नहीं है? ये परमानेंट यूनिवर्सलिटी क्यों है इसके अंदर? ये चलता है ऋतु नियम पे, बीज नियम पे, कम नियम, चित्त नियम, धम नियम, नियमों पे चलता है। ऋतु बदल रही है, मई चल रहा है, इसे कोई जनवरी में बदल कर देखे? कोशिश करो। एसी चला कर तो हम बदल लेते हैं इसको कि हम अंदर जनवरी पैदा कर रखी है हमने, बाहर गर्मी है, वो भी निर्मित है, टेम्परेरी है। ये 5 नियमों से चलता है, ये इसके कंट्रोलर हैं नियम, इसका कोई भी कंट्रोलर नहीं है। तो भगवान बुद्ध इन्हीं धर्मों को धर्म कहते हैं, उसकी जो प्रॉपर्टी होती है, गुण होते हैं, उनको ही इंटरप्रेट करते हैं। तो ये जो है हमारे इसका लोक का, ये निर्मित है, निर्मित नहीं है भगवान बुद्ध का धर्म। उन्होंने इसको किसी को डिक्टेशन देकर नहीं, सारी पुत्र को डिक्टेशन दिया, लिखवा दिया, वो नहीं है। इस लोक के स्वभाव को समझते हैं बुद्ध, अपने बॉडी को समझते हैं बुद्ध। भगवान बुद्ध से क्या कहा भगवान बुद्ध ने जब उनसे पूछा गया लोक, ये लोक क्या है? लुज्जति पलुज्जति लोका, जो टूटने योग्य है, जो नष्ट होने योग्य है, वो लोक है। और वो क्या है? मेरा बॉडी। ये मेरा बॉडी लोक है, ये आपका बॉडी लोक है, क्योंकि इसमें चक्षु है, फिर ऊपर बाहर रूप है, फिर चक्षु विज्ञान है, फिर चक्षु स्पर्श है, फिर चक्षु स्पर्श से उत्पन्न होने वाली सुखद वेदना, दुखद वेदना और उपेक्षा वेदना, और उसी में जरा मरण व्याधि, ये सब यही तो लोक है। ये लोक ये थोड़ा ही है कि मतलब यह है कि ये भीड़ घूम रही है, ये लोक है। ये वनस्पति वेजिटेशन, ये लोक, उसका भी यही हाल है, वेजिटेशन का भी यही हाल है, अराइजिंग, स्टेइंग एंड डिसॉल्विंग। तो ये निर्मित नहीं है, ये यूनिवर्सल परमत धर्म है। 2 धर्म है संसार के, एक कंसेप्ट, एक रियलिटी व्यवहारिक और एक परमत। तो ये जो भगवान बुद्ध का धर्म है, धर्म इन द सेंस, हम इसकी कॉमन पार्लेंस में इसको धर्म कहते हैं, लेकिन ये धर्म नहीं है, ये स्वभाव है लोक का, जिसको मतलब कोई समझ नहीं पाते हैं हम लोग। हम इसमें रहते हुए मर जाते हैं कोई 100 साल तक, लेकिन नहीं समझ पाते। तो भगवान बुद्ध इसे सारा परीक्षण उन्होंने इसीलिए कहा, 6 हाथ लंबे शरीर में मैं लोक को देखता हूँ, लोक का समुदाय देखता हूँ, लोक का निरोध देखता हूँ, लोक का निरोधगामी मार्ग देखता हूँ। सारा का सारा आप किताबें पढ़ें, मेडिटेशन करें, हम परीक्षण करते हैं दूसरों पे, परीक्षण करना है अपने ऊपर। इसी में सब कुछ है। जब बुद्ध ने, सिद्धार्थ ने, बोधिसत्व ने इसको देख लिया, अपने बॉडी को, सब तो यही है, मैं कल्पों तक घूमता रहा। उन्होंने कहा भी जब बुद्ध हुए, अब मैंने तुझे पहचान लिया, वो आप सब जानते हैं, उदान हर्ष में उन्होंने कहा है। तो ये चीज है, ये निर्मित नहीं है, ये धर्म नहीं है, इट इज द स्वभाव, ये नेचुरल स्वभाव है इस लोक का, जो हमें उल्टा लगता है, हमें उल्टा लगता है, क्योंकि हम इसको समझ नहीं पाते, बिकॉज ऑफ द इग्नोरेंस। तो ये चीजें हैं मोटी मोटी, इसमें कुछ पॉइंट और भी हैं। टाइम इज ओवर, कैलाश जी वाज वार्निंग मी। तो देन मैं इसलिए 4 आर्य सत्य पाने से पहले ये फंडामेंटल्स जो हैं डिस्कस करना चाहता, थोड़े बचे हैं वो भी मैं डिस्कस करना चाहूंगा, तभी मुझे अच्छा लगा और तभी 4 आर्य सत्य को हम ग्रेस्प कर पाएंगे। तो आज मैं यही मतलब यह अपनी वाणी को विराम देता हूँ, इसको फिर कंटिन्यू करूंगा मैं। इसके साथ ही मैं सबको मेरा नमो बुद्धाय।